अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब अलहमदिल्ला मैं एकदम ठीक हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भाई कैसे माँ को कैश करवाया जाता है ना कोई पिटारा से सीखे उसको जब अयाशियाँ कर रही थी ना तब याद नहीं आया कि अम्मा जाने वाली है हालांकि देखो जिसको मोहब्बत रहती ना अगर इसको तो या आठ दिन पहले से ही दुखी रहती माँ के साथ टाइम स्पेंड करती और वही वही बातें करती कि अम्मी जाएंगी अम्मी जाएंगी ठीक है लेकिन इतने ऐसा कुछ भी नहीं किए मस्त अपने आ, ये सब चीज़ों में मशरूफ़ थी मिटअप में लोगों से चिटकने में और गंदगियाँ करने में ये सब में ये सही से मशरूफ़ थी जब इसका वो अलग कंटेंट ख़त्म हो गया तो फिर इसने अम्मा का कंटेंट बना ली एक दिन पहले वीडियो डाल के बोरी अम्मा कल चली जाएंगी रोना धोना करके ड्रामे करना दूसरे दिन फिर ये ड्रामे लेकर आ गई और वही पुराना वाला पिछले साल जो इन लोगों ने किए थे कि टिकट कौन करवाया अम्मा सलमा के पास जाएंगी प्लानिंग हो रही है प्लॉटिंग हो रही है सलमा वहाँ पे जाने के बाद में सलमा भड़काएंगी अम्मा बातों में आ जाएंगी सलमा के साथ में अम्मा मिली हुई है ये सारी बातें पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा इकामे को लेके टिकट को लेके इन लोगों ने इसी तरह से गंद मचाए थे इन लोगों ने ये सारी बातें किए थे कि अम्मा के पैरों पे डंडे डंडे से मारा गया है इसके लिए आ, अम्मा चल फिर नहीं सक रही है और आप लोगों ने देखा था कि वो जो चाचा है उन्होंने व्हील चेयर पर उनको उमरा करवाए थे ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को खुद बेखुद समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी गेम खेलती है कितनी गंदी औरत है ये ये जो पिटारा है ना इससे ज़्यादा गंदी औरत मैंने नहीं देखी कि पूरी वाई पे कहीं पर होगी अब आप बात कर लेते हैं कि सबसे पहले टिकट की बात कर लेते हैं कि टिकट इसने करवाई पिटारा ने टिकट करवाई पिछले साल भी यही हुआ था फिर लोग बोल रहे थे कि अम्मा की टिकट पिटारा ने करवाई पिटारा बड़ा खर्चा करती है पिटारा ये पिटारा वो एक बात बताओ तुम लोग पिछले साल की टिकट का भी तुम लोग ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पिटारा ने खर्चा करी पिटारा ने टिकट करवाई वहाँ पे जाने के बाद में चाचा जी ने खुद ही बता दिए थे कि टिकट के पैसे मैंने दी हूँ दिया हूँ और टिकट का जितना भी खर्चा था वो चाचा ने भरा था और इकामे का पैसा सलमा ने भरी थी अपनी ज्वेलरी बेच के पिटारा ने क्यों नहीं आके बोली कि नहीं भाई टिकट तो मैंने कराई हूँ चाचा झूठ बोल रहा है कमा मैंने करवाई हूँ सलमा झूठ बोल रही है क्यों नहीं आके बोली जब वो एक एक कमेंट का जवाब देने के लिए आ जाती है तो इस चीज़ का भी जवाब क्यों नहीं दी चलो वो जीना का तो जवाब देने नहीं आई अपनी बेटी का भी जवाब देने नहीं आई एजाज़ की तरफ से लेकिन इसका तो जवाब वो दे सकती थी ना इसका भी जवाब उसने देने नहीं आई क्योंकि तुम लोगों को वो स्क्रिप्ट दे देती है कि तुम लोग बैठ के भौंको और तुम लोग का शुरू हो जाता है भौंकना कि पिटारा ने टिकट करवा दी पिटारा ने कामा करवा दी बहुत खर्चा कर दी और वो बेशर्म को भी बातें करने इसी तरह से आती है ये नहीं बोलेंगे कि मैंने अम्मा की टिकट करवाई अम्मा की टिकट हो गई आप लोगों ने देखा ना कि जब गोंचू ट्रेन की टिकट करवाने के लिए गया था अम्मा की तो गोंचू ने दिखाया था ना कि मैं जा रहा हूँ ट्रेन की टिकट करवाने वहाँ जाके टिकट करवा के दिखाया था अगर प्लेन की टिकट इन लोग करवाते पिटारा उसको ना कैश करती ये हो ही नहीं सकता है और एक चपेट तुम लोगों को नज्ज़ो ने भी मार चुकी जो तुम लोग उसकी शादी के टाइम पे इतना भोंक रहे थे कि उसने टिकी सारा कुछ खर्चा करी है शादी में सारा खर्चा पिटारा ने की है सारा खर्चा पिटारा ने की बाद में नज्जो ने आके जब बताई कि मैंने कोई भी इससे पैसे नहीं लिए हूँ सारा के सारा हमने किए फिर तुम लोग बोल रहे थे नज्जो झूठी है एहसान फरामोश है ये वो है बाद में तो तुम्हारी मालकिन ने खुद ही आके बोल दी जो भी खर्चा करना था मैंने अपने हाथ से डेकोरेशन वगैरह पे की मैंने कोई पैसे नहीं दी क्या मुंह रह गया तुम लोग का क्यों भोंकते हो झूठ झूठ कि तुम्हारी मालकिन तो इतनी भिखारन है कि उसने वो लड़की को दी क्या पुराना अपना फर्नीचर हाँ पुराना मैट्रेस जिसके ऊपर पता नहीं उसने कितनों के साथ में मुंह काले की थी इसके अलावा क्या दी कोई गोल्ड का सामान दे दी लड़की को आ, या कोई आ, दहेज का सामान दे दी कहाँ है वो चीज़ें दिखाओ आके कोई चीज़ दी है उसने वो लड़की को हालांकि काशिफ की लड़की को इसने दी थी गोल्ड की पता नहीं ईयर या अंगूठी कुछ तो भी दी थी लेकिन फातिमा को इसने कुछ भी नहीं दी और तुम लोग बैठ के भोंक रहे थे कि उसने खर्चा की उसका खर्चा हुआ अगर इतना ही वो ख़र्चा करने वाली रहती ना तो जब पिछले साल अम्मी वापस आई थी और ये कश्मीर जा रही थी तो इसने बोली थी अम्मी के पैरों में बड़ा दर्द था ना वहाँ पे सऊदी में बड़ा दर्द था तो इतने लेके गई थी अम्मा को दवा दिलाने कश्मीर जाने से एक दिन पहले है ना फिर वहाँ पे आके क्या बोली थी अम्मा के घुटनों की ना हड्डियाँ ऐसे तड़े तड़े करती है अम्मा के घुटनों की, की हड्डियाँ हट हड़ गई है तो अम्मा का ऑपरेशन करने के लिए बोला है डॉक्टर ने हम कश्मीर से आके अम्मा का ऑपरेशन करवाएंगे अम्मा के घुटनों का ऑपरेशन होगा कहाँ गया वो ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ इसने तो बोली थी कि कश्मीर से आके हम लोग पता नहीं सोनोग्राफी कराएंगे एक्सरे कराएंगे ये कराएंगे वो कराएंगे फिर अम्मा का ऑपरेशन होगा अम्मा का इलाज होगा जब अम्मा सऊदी में थी तो फ़ोन पे बोल रही है अम्मा घरेलू नुस्खे नहीं हैं आज माओ अम्मा दवाई लेके आओ फिर कहाँ गया वो ऑपरेशन कहाँ गई अम्मा की दवाइयाँ जब ये एक जोड़ा ला के अम्मा को देती है वो भी दिखावा करती है अगर ये अम्मा की दवाई करा रही होती अम्मा को दवा ला के दे रही होती तो वो तो ये बिल्कुल दिखाती क्योंकि ये बहुत घटिया औरत है ये एक एक चीज को कैश करवाती है देखो जरा चाचा को जब पिछली बार भी अम्मा जा रही थी चाचा के लिए इसने मेडिकल से दवा खरीद के लाई थी तो वो भी इसने दिखाई थी कि मैं ये दवाइयाँ ना चाचा को यहाँ से भेज रही हूँ हालाँकि उसके पैसे इसने ले चुकी थी अम्मा से लेकिन इसने बताया ही नहीं इतनी कोई ये गिरी हुई है अगर अम्मा ने बोली कि मुझे दो लुंगियाँ लेना है तो आपको क्या लगता है कैमरे पर ही बोली होगी बैक कैमरा उसने बोली नहीं होगी कि क्या लेना है जब वो दो लुंगियों को कैश करवा रही है तो क्या अम्मा की दवाइयाँ करवाती है अम्मा का मेडिकल जो भी चेकअप वगैरह होता है वो करवाती तो क्या ये नहीं दिखाती ये बिल्कुल दिखाती इसकी माँ की जो सऊदी से दवा चल रही होती थी ना वही दवा उसकी माँ ले ले के चल रही थी इसने ना अपनी माँ का इलाज करवाई ना अपनी माँ की दवाइयाँ करवाई ना अपनी माँ के पीछे मेहनत की ना अपनी माँ के पीछे खर्चा की तो तुम लोग होते कौन हो ये बोलने वाले कि वो टिकट करवाएंगी अरे वो अपने आँख का ना बुखार ना दे किसी को टिकट करवाना तो बहुत दूर की बात है उल्टा वो लेती है लेती है वो देख लो अभी यही वीडियो में उसने क्या बोली कि अम्मा जाते जाते मुझे झुमके दे के गई सोने के अगर वही झुमके वो बेच के अपना ऑपरेशन करवाती ना बुढ़ी तो हो जाता उसका लेकिन उसने नहीं करवाई इसको दे के गई वो झुमके अम्मा का तो बोलना ही क्या भाई दोगले पने की खैर अम्मा की तो करते बात बाकी इतने पैंतालीस लाख रुपए जो गाड़ी के ली थी अम्मा से वो भी इसने वापस नहीं की अम्मा से जो भर भर के चूड़ियाँ अम्मा जब सऊदी से पहली बार आई थी भर भर के अम्मा चूड़ियाँ पहन के आई थी वो चूड़ियाँ कहाँ है वो भी तूने रख ली फिर अम्मा के इंश्योरेंस के जो पैसे आए थे उस पैसे से तूने प्लॉट ली अम्मा के नाम पे तूने प्लॉट ली और उसकी नॉमिनी तू बनी हुई है वो भी पैसे आज नहीं तो कल तुझे ही वो प्लॉट मिलने वाला है अम्मा टपकेंगी तो तेरा ही हो जाएगा ना क्योंकि तू नॉमिनी है तो ये सारी बातें बता ऑडियंस को पिटारा कि तू सिर्फ लेती है देती कुछ नहीं है तू बहुत नालायक औरत है ते है अम्मा की के अम्मा को देखो टिकट के पैसे बाबा ने करवाया था ठीक है पैसे बाबा ने दिया था इकामे इक के सलमा ने अपनी ज्वेलरी बेच के इसके इकामे इक के पैसे भरी थी जो भी भरना था लेकिन ये औरत ने ये नहीं बोली कि तुम लोग दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हो तुम्हारे खुद के चार चार पांच, पांच पांच बच्चे हैं तुम लोगों को रेंट भरना होता है सारा कुछ देखना होता है तो हमारे पीछे पैसे मत लगाओ हम लोग हमारा कर लेंगे बोल के वो ज्वेलरी जो इसको दे के गई है वो ज्वेलरी बेच के वो अपने पैसे भर सकती थी लेकिन नहीं वो औरत ने सलमा की ज्वेलरी बेचने लगाई सोचो कैसी माँ होगी ना ये और ये अपनी अम्मा की कहानी बता रही थी कि अम्मा जिंदगी भर सऊदी में काम करती रही है तो अम्मा को तो मैं सुख देने के लिए बुलाई हूँ अब ये सारी बातें आप लोग देखो तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा ये सारी बातें ना प्रूव करती है कि सलमा ने कभी इसकी माँ से ना पैसे ली ना इसकी माँ ने उसको दी उल्टा सलमा ने इसको ज़िंदगी भर संभाली है जो टाइम पे इसको कोई भी देखने वाला नहीं था ना वो टाइम पे ना सलमा ने संभाली थी इसकी माँ को चाहती ना तो वो बोल सकती थी कि मेरी ज़िम्मेदारी भी नहीं है लेकिन वो औरत ने संभाली जब भी असगर भाई और सलमा ने सलमा तो खैर नहीं आके कभी बोली है असगर भाई ने हमेशा आके बोले है कि मैंने ना कभी इनसे रेंट के पैसे ना राशन के ना दवाइयों के कभी भी मैंने कुछ नहीं लिया हूँ सलमा ने भी बल्कि एक बार बताई थी कि वो क्या भरना होता है ना वो भरने के अलावा इनका कोई ख़र्चा हम लोग नहीं लेते कभी भी आके इन लोगों ने मुँह खोल के बोले कि सलमा झूठ बोल रही है क्योंकि सलमा ने सारा कुछ सच बोली है क्यों इन लोग आके असगर को जवाब नहीं दिए कि तू राशन के पैसे लेता था या तू खर्चा लेता था ये बात तो सलमान ने भी किया है और ये जो ज़िंदगी भर वहाँ पे काम किए तो ये पैसे कहाँ गए फिर हाँ जबकि नज्जो ने अपने मुंह से बोली है कि अम्मा भेजती थी जब वो आ, अपने ब्योड़े को बदनाम कर रही थी ना एक कंटेंट चलाने के लिए तब उसने अपने मुंह से बताई थी कि हमारे बच्चों को ना अम्मा वहाँ से पैसे भेजती थी ठीक है और पिटारा को भी इसकी माँ भेजती थी ये जो इतनी अज्ञाशों वाली ज़िंदगी गुजारी है ना तो वहाँ पर काम कर कर के ना वो पैसे इसको भेजती थी और सलमा को नोच के खाती थी जो कि आज भी प्रूफ पड़े ज़्यादा ज़्यादा दूर के प्रूफ नहीं है पिछले साल के और ये साल के मिला के ही देख लो पिछले साल उसने वहाँ पे जाके सलमा की ज्वेलरी बेच के अपना पैसा भरने लगाई और ये साल इतने बड़े बड़े झुमके पिटारा को दे के गई तो यहीं से ये बात साबित होती है कि पिटारा हमेशा अपनी माँ से लेती रही है और सलमा देती रही है तो आए बड़े तुम लोग टिकट की बात करने वाले और ये सारी बातें करने वाले के पिटारा बड़ा एहसान की है पिटारा ने बहुत खर्चा की है लानती है वो लेती है देती नहीं है बेशर्मो ज़रा शर्म करो ये बातें करने से पहले याद होगा जब पिटारा सऊदी से वापस आई थी उसके बाद में पता नहीं बकर थी हाँ दी थी और बच्चे लोग को इसकी माँ ने ईदी दी थी ना वो भी उसने वापस कर दी थी अपनी माँ को सलमा ने वो भी नहीं रखी थी नहीं अम्मी हमारे पास जो है ना वो आपका ही है तो मैं दे दूंगी बच्चे लोग को ये बोल के उसने वापस दे दी थी अपनी माँ को और ये बेशरम इतने बड़े बड़े झुमके लेके रख ली जबकि करोड़ों में खेल रही है लेकिन झुमके इसको अम्मा के चाहिए थे लानती औरत को अम्मा से पैसे ले लेके गाड़ियाँ ले रही है प्लॉट ले रही है और आए बड़े टिकट के पैसे देंगी वो दुर पिटे मुँह तुम लोग के ए बात कर लेते हैं कि अम्मा कहाँ रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई और ठिकाना तो है नहीं अम्मा रहेंगी तो सलमा के ही पास ठीक है अब इन लोगों को ये बात भी अच्छे से पता है कि अम्मा जाएंगी तो ड्रामे वगैरह करेंगी और फिर बाद में चाचा कैसे नहीं तो कैसे करके सलमा के ही पास लेके जाएंगा तो इन लोगों का ये जो पिटारा ने आके एक स्टेटमेंट दी है कि वहाँ पे जाती है ना तो मुझे बड़ा डर लगता है मैंने जैसे वैसे निकाली हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका सलमा ने तो कभी नहीं बोली कि अम्मा वहाँ जाती तो मुझे डर लगता है क्यों तुझे डर लगता है जिसके पास में तेरे राज है ठीक है तो तू इसीलिए डरती है ना कि अम्मा वहाँ जाके पिघल ना जाए और अम्मा उसको सपोर्ट में ना बैठ जाए तेरी गंदगी तेरी सच्चाई ना अम्मा कभी उगल देवे इसीलिए तो तू डरती है ना बाकी तू कभी ये रुबीना मिलती है तो तुझे डर नहीं लगता नदीम मिलता है तो तुझे डर नहीं लगता फारूक मिलता है तो तुझे डर नहीं लगता सलमा के ही पास भेजने से अम्मा को क्यों डर लगता है जो तूने बोली ना अम्मा ने मेरा बड़ा साथ दी बड़ा सपोर्ट की वो तू है ना मस्के लगा रही थी अपनी माँ को ताकि तेरी माँ वहाँ जाके रह ना जाए तेरी माँ सलमा के सपोर्ट में ना चले जाए तेरी माँ हक सच के साथ ना खड़ी हो जाए इसके लिए तू डर रही थी बाकी तूने तो भाई जो पिछले कुछ दिनों पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अम्मा को कभी कहीं जाने से नहीं रोकती हूँ अम्मा बस रहे मेरे पास बाकी सब के पास जाए घूमे फिरे लेकिन वो तेरी तेरी बातें थी कहने के लिए करने के लिए नहीं तू तो हमेशा रोकती है तेरी माँ को क्यों नदीम के पास तेरी माँ नहीं रहती है जाके जिस तरह से तेरे पास रहती है क्यों रुबीना के पास कभी तेरी माँ एक रात तक के नहीं रही तो तू रोकती है तू ये मत बोल के तू नहीं रोकती है बाकी तू तेरी माँ को जिस तरह से कंट्रोल करके उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाई है ना तो इतना याद रखना कि तेरे भी आगे औलाद है ऐसा ना हो कि तेरी बेटियाँ तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दें बाकी इसके सपोर्टर जो पागल हुए हुए हैं कि सलमा इसको भड़का लेंगी सलमा का कोई गेम होगा वहाँ जाके अम्मा पलट जाएंगी अम्मा आने के लिए मना कर देंगी अरे भाई चोर की दाढ़ी में तीन का जैसे तुम्हारी मालकिन कर रही है अम्मा को जाने से रोक लेती है मना कर देती है अपने इशारों पे नचाती है गेम करती है और जैसे मर्जी वैसे नचाती है तो वही बात है ना चोर की दाढ़ी में तीन का तुम लोग खुद वैसे ही हो तुम्हारी मालकिन वैसी ही है तो तुम लोगों को लग रहा है कि सलमा भी ये करेंगी अगर सलमा इतनी ही ज़्यादा पिटारा की तरह गेमर होती ना तो अम्मा पिटारा की सपोर्ट में नहीं आती अम्मा को वो वही टाइम पर रोक लेती तो थोड़ी सी ना शर्म करो जो लोग ये सारी बातें करते हैं मुझे वो नहीं ये नहीं समझ आता है क्या तुम लोगों ने भी अपनी माँ बाप के साथ में इसी तरह से मतलब व्यवहार करते हो कि तुम्हारे माँ बाप सिर्फ़ तुम्हारे पास रहे दूसरी औलादों से ना मिले यह दूसरे किसी के पास है तुम लोगों से मिलने नहीं आते होंगे तुम लोग अपने माँ बाप के खर्चे को लेके इसी तरह से करते होंगे है ना और फिर अम्मा किसी के पास चली जाती होगी तो तुम लोग अपने माँ बाप के लिए भी ऐसे ही बोलते होंगे कि तुम्हारे जो दूसरे रिश्तेदार है तुम्हारी बहन भाई जो भी है वो लोग गेम कर रहे हैं अरे थोड़ी शर्म करो पहले अपने ऊपर रख के तो देखो तुम लोग ये सारी बातों को अगर तुम्हारी बहन लोग तुम्हारे पास में तुम्हारे माँ बाप को आने से रोकेंगे तो तुम लोगों के दिल पे क्या बीतेंगी तो पहले अपने ऊपर रख के देखो फिर किसी के लिए खड्डा खोदो बस अब ये औरत ने ना सब का रमज़ान हराम करना है रोज़ का यही तमाशा पिछले साल की तरह पिछले साल भी इसने यही तमाशा करके रखी थी अम्मा बीमार है अम्मा ये अम्मा वो है और ये बातें आप लोग यहीं के यहीं है ना नोट करके रखो अम्मा गांव जाती है ना तो भी अम्मा बीमार हो जाती है इसके पास आती है अम्मा एकदम तंदुरुस्त अच्छी हो जाती है तो अब भाई अम्मा वहाँ पर गई है ना वहाँ पर ही बीमार हो जाएंगी लेकिन अम्मा जब गाँव में जा बीमार होती है ना तो इन लोग आवाज़ नहीं उठाते कि गांव में अम्मा को किसी ने मार दिया खप गई लूट गई मिट गई तब इन लोग आवाज़ नहीं उठाते अब वहाँ जाके अम्मा बीमार हो जाएंगी ना तो इन लोग बोलेंगे हाँ सलमा ने ये कर दी सलमा ने वो कर दी और ये सारा गेम है ना पिटारा का ही होता है ये जानबूझ के ये सब करवाती है इसको क्योंकि खुद को शर्म नहीं है ना इसकी माँ के पैर में फपुंदियाँ निकली हुई है पैर सड़ा हुआ है घुटनों में दर्द होता है अपने घर का पूरा काम करवाती है और अम्मा का डर देख लो यहीं से पता चलता है अपनी माँ को कितना डरा के रखी है कि अम्मा के मुँह से ना एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरे घुटनों में दर्द है या मेरे पैर पूरे सड़े हुए एक लफ्ज़ नहीं निकलता तो यहीं से पता चलता है भाई कि ये कितनी बड़ी ब्लैक मेलर है और किस तरह से अपनी माँ को डरा के रखी थी जब इसकी माँ इसके चंगुल से निकलती है ना तो खुल के बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द है मेरी तबीयत ख़राब है खुल के बोलती है और दिखता भी है जब गांव जाती है ना तो माँ की तरह रहती है आराम करती है इसके इधर आएंगी पूरे घर का काम करवाती है ये यह। यहीं से पता चलता है और जब सऊदी जाती है ना इसकी माँ को बैठ के खाने मिलता है और इसके घर पे आएंगी ना इसकी माँ बैठती ही नहीं पूरे घर का काम तो काम राशन की लिस्टें बनाना घर में कौन क्या कैसे कर रहा है वो सारा कुछ अम्मा को अरेंज करना पड़ता है हर एक चीज़ की जिम्मेदारी अम्मा के ऊपर है ऐसा लगता है घू चुकी औरत है ना बिल्लो आंटी ये पिटारा तो है हाँ ही नहीं इसको तो सोने खाने और इधर उधर सोने से ही फुर्सत नहीं है घटिया औरत को पिछले दिनों में अगर गलती से भी वैसे तो अम्मा नहीं आएंगी सलमा की वीडियो में बिल्कुल भी, भी नहीं आएंगी अगर सलमा के घर पर गई भी ना तो इतने जैसे पिछली बार मैरिज वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करके भेजी थी ना उसी तरह से ये साल भी कॉन्ट्रैक्ट करके भेजिए ये तलमा की वीडियो में नहीं आना और यही सारी चीज़ों के ऊपर अगर गौर करोगे तो पता चलता है कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है अम्मा को कौन अम्मा को अपने इशारों पे नचवा रहा है जैसे लोग आजकल बोल रहे हैं ना कि सलमा अपनी अम्मा को ये कर देंगी वो कर देंगी वहीं रुका लेंगी तो यही सारी चीज़ों से देख लो साबित होता है ये प्रूफ है कि अम्मा अगर पिटारा की सॉरी सलमा की सुनती ना तो वो अपने ब्लॉग में अम्मा को ज़रूर ले लेती जैसे पिटारा अपनी माँ को कैश करवाती है ना अम्मा ने रोटी बना दी अम्मा सालन बना दी अम्मा सोफे पे बैठी अम्मा लेटी अम्मा भाग रही अम्मा दौड़ी वैसे वो भी दिखा सकती थी लेकिन नहीं वहाँ पे भी ना पिटारा की ही चलती है इसकी अम्मा अपने वहाँ पे रह के भी ना पिटारा के ही इशारों पर नाचती है तो वो क्या आएँगी सलमा की बातों में और क्या उसको तरस आएगा पता नहीं इसकी कौन सी ऐसी राज है पिटारा के पास में यह पता नहीं क्या है उसके दिल में मैं तो बस दुआ करती हूँ अल्लाह से कि वो औरत है ना दुनिया से जाने से पहले ना सच्चाई अपने मुंह से बोल के जाए बाकी आप लोगों को पता ही है कि पिटारा ने सलमा के साथ में कितना जुलूम की है उसके हस्बैंड को हथियारने का जो उसने गेम की थी तो ये बहुत बड़ा जुलूम है जो उसने उसके साथ में की थी उसके बाद में अगर ये डरती है ना कि अम्मा उधर रह जाएंगी तो अम्मा वहाँ जाती है तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ तो ये सारी चीज़ें है ना चोर की दाढ़ी में तिनका ही है अगर के आ, ऐसा कुछ होता तो सलमा भी डरती लेकिन सलमा तो बेफिक्र रहती है क्योंकि उसको पता है वो सच्ची है और सच्चा इंसान है ना कभी भी है ना इतना फ़िक्र में नहीं आता इतना टेंशन में नहीं आता उसको फिकर नहीं होने लगती है उसके आँखों के आगे है ना चांद तारे नहीं दिखने लगते कि भाई वहाँ जाएंगी पिटारा की बातों में आके मेरी सारी पोल पट्टियाँ खोल दी तो सलमा को भी तो डरना चाहिए ना लेकिन नहीं क्योंकि वो सच्ची है और पिटारा यही लिए डरती है कि अम्मा उसकी बातों में आके सच्चाई ना उगल दे इसके लिए वो अम्मा से ये ज्वेलरी वगैरह के लालच देना कभी ऑपरेशन का लालच देना कभी घर का लालच देना हालांकि ये खुद नहीं दिलाएंगी उसका उसका उसको वापस करेंगी ये लालच देती है ये जो उसका ले कर रखी है ना वो मैं वापस कर दूंगी ये बोलती है वो अम्मा आ भी जाती है लालच में अम्मा को भी सोचना चाहिए भाई क्या दुनिया से लेके जाएंगी थोड़ी उम्र रह गई है क्या चाहिए छत चाहिए और खाना चाहिए ना वो तो हर जगह मिल जाएगा ये प्रॉपर्टियाँ उससे निकलवाने के चक्कर में जो गलत का सपोर्ट कर रही है ना तो अल्लाह से मर के मुंह दिखाना है तो अम्मा अगर सुन रही हो ना तो थोड़ा सुधर जाओ आखिरी टाइम है ना अल्लाह को मुंह दिखाना है ना तो मुंह ऐसा कर लो कि अल्लाह को दिखा सको मर के ना ये नहीं आएंगी तुम्हारी कब्र में कोई भी नहीं आएगा अल्लाह हिसाब लेंगा तो थोड़ी सी शर्म कर लो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़